ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का बटरफ्लाई ग्लोइंग फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग को करने के लिए गाइस अगर आप लोगों को डार्क बैकग्राउंड चाहिए तो गाइस आपको मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर गाइस आपको अपना बैकग्राउंड डार्क कैसे करना है गाइस वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग यार वीडियो को ध्यान से देखना, जो उन स्टेप आपको इजी लगे आप उस स्टेप से अपनी फोटो एडिट कर लेना। बस गाइस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है एंड कंप्लीट देखना है, ठीक है गाइस। तो गाइस इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो जो हमारी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप सभी को पहले अपनी इस फोटो को ऐसे मतलब किसी भी बैकग्राउंड में आप ऐसे क्लिक करवा लेना, देन गाइस इसको ओपन करना है। गाइस उसके बाद आपको जाना टूल्स में, फिर एडजस्ट में, फिर उसके बाद आपको इसका एक्सपोजर थोड़ा सा यहाँ पे कम कर लेना है। एंड गाइस ये कॉन्ट्रास्ट है गाइस इसको थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड गाइस इसके बाद आपको सैचुरेशन मिलेगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको जाना हाईलाइट में, आपको थोड़ा सा हाईलाइट कम करना है। एंड जो गाइस शेडो है इसको भी आपको यहाँ पे कम करना है, ठीक है। तो शेडो कम करने के बाद आपको ये जाना है यहाँ से फिर इरेजर टूल में, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे इरेजर को क्लिक के एंड आपको जो साइज़ छोटा करके आपको अपने हेयर्स को यहाँ पे सिर्फ रिमूव करना है, हेयर के पास से जो डार्कनेस है इसको रिमूव करना है बस, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है आपको डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद अगेन जाना है आपको यहाँ पे कर टूल में, आपको गाइस कर टूल में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे पीछे की तरफ इसको डार्क करना है गाइस कुछ स्टेप से, जो आपको ऊपर की तरफ जो पॉइंट दिख रहा है गाइस जैसे कि आपको कुछ स्टेप से आपको क्लिक करके एंड इसको पीछे से डार्क करना है, ठीक है। जब आप मतलब कि कर टूल का यूज़ करोगे ना तब गाइस आपको खुद समझ आ जाएगा कि मतलब आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। एंड अगर आपको इसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए पूरी कंप्लीट वीडियो ला दूंगा इसके ऊपर भी। तो अभी यहाँ पे इसको हम डार्क कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो इसको इतना डार्क करने के बाद आप सभी को भी क्या करना है गाइस, मतलब कि अभी कर्व टूल से हमारे बिल्कुल एकदम डार्क नहीं हो पाएगा, अभी हमें इसमें और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी तो हम फिलहाल जितना हो गया इससे अभी इतने कर लेते हैं, इरेजर टूल में जाकर इसको इन्वर्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे गाइस क्या करना है आप सभी को, इन्वर्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस ब्रश पे क्लिक करना है। एंड गाइस के बाद आपको बैकग्राउंड में आपको सिंपली ऐसे पेंट कर देना है, ठीक है, बैकग्राउंड में पेंट कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे गाइज, आपको इतना हो जाने के बाद पहले मैं अच्छे से यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है, ठीक है। तो अब गाइज यहाँ से आप सभी को फिर जाना अगेन टूल्स में जाने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, सो टूल्स में चलते हैं, यहाँ पे एडजस्ट में चलते हैं। एंड उसके बाद गाइज आपको उसका एक्सपोजर यहाँ पे कम करना है, ठीक है, एक्सपोजर कम करना है। एंड यहाँ से इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे लेना ब्रश, एंड ब्रश का साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख के आपको इसको फटाफट से आपको पीछे जितना मतलब नीचे का एरिया जितना भी रह गया है हमारा डार्क रह गया होने से, तो उसको आपको यहाँ पे सिंपली ऐसे डार्क कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। एंड कैसे अगर आप लोग चाहो तो मतलब अपने मॉडल का कटआउट लेके आप सीधा बैकग्राउंड में भी ऐड कर सकते हो, आपको डार्क बैकग्राउंड है जो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप लोग उसको डाउनलोड करके यूज़ कर लेना। तो अभी तो ये मैंने गाइस आपको इसलिए सिखाया था क्योंकि गाइस ये मतलब कि हमारे काम आता रहता है डार्क वाला जो एडिटिंग है ना, ये इस टाइप ये हमारा काम आता रहता है काफ़ी फोटोज़ में, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो अभी हमें यहाँ पे डन करने के बाद आपको जाना है ऐड फोटो में, एंड गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है ब्लड बटरफ्लाई का पीएनजी एंड ये ग्लोइंग इफेक्ट, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है यहाँ पे गाइस, पहले तो आपको बटरफ्लाई लेनी है। एंड गाइस इसको आपको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। एंड देख लेना आप गाइस अपने हिसाब से, आप जैसे ऐड करना चाहो वैसे कर लेना, ये मॉडल के हिसाब से बना रखा है पीएनजी तो यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना अपने मॉडल के हिसाब से, एंड एक एक कट करके ब्लॉग तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको सेम साइज़ में वैसे ही रखना है जैसी गाइस ये हमने जो अभी पीएनजी लगाए बटरफ्लाई के, वो सेम वैसी साइज़ में इसको भी रखना है। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स का स्क्रीन कर देना है, आपकी जो बटरफ्लाई है वो ग्लो हो जाएगी, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे हमारा जो है ज़्यादा काम नहीं है यहाँ पे पिक्स आर्ट का, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा टूल्स में जाना पड़ेगा अभी, सॉरी टूल्स में नहीं गाइस यहाँ पे इफेक्ट में जाना है हमें, थोड़ा सा मतलब कि इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस करनी है फेस में। तो हम ब्लर लेंगे एंड उसके बाद इसका अमाउंट रखेंगे 3, एंड उसके बाद जाएंगे यहाँ से इरेजर टूल में, यहाँ पे इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे एंड यहाँ पे फटाफट अपने फेस के ऊपर कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करेंगे एंड फेस में थोड़ा सा हम स्मूथनेस लाएंगे, ठीक है। तो अगर गाइस आपको इसके अलावा अगर और कोई स्टेप में भी आता है स्मूथ करना तो आप कर सकते हो, ये मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। तो एंड मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट रिटच वीडियो भी बना रखी है, तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो इतना हमारा यहाँ पे स्मूथ भी हो चुका है हमारा फेस। तो अब क्या करते हैं, अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं हम लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो गाइस हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब गाइस यहाँ पे आपको जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको गाइस लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको उसको कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है। एंड गाइस यहाँ पे लाइटनिंग में आपको ये देखना है कि आपकी फोटो का जो बैकग्राउंड है ज़्यादा ज़्यादा डार्क हो एंड जो आपकी बटरफ्लाई हो ज़्यादा ज़्यादा ग्लो हो, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आपको उसकी लाइटिंग छेड़नी है।
फिर क्या गाइस आपको शेडो कम करके एंड जो व्हाइट है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड जो ब्लैक है गाइस इसको थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको गाइस इसकी वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड इसका जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है एंड उसके बाद जाना कलर मिक्स में, यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है एंड उसके बाद जिसका लूमिनस आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर जाना ब्लू कलर में, आपको उसका ह्यू जो बढ़ा देना है और मतलब ह्यू आप जैसे भी रखना चाहो वैसे रख सकते हो, स्काई ब्लू डार्क ब्लू आपकी मर्जी है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है एंड उसके बाद गाइज आपको यहाँ से जाना, आपको सिलेक्टिव टूल में गाइज आपको प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, पहले फोटो को जूम कर लेते हैं एंड प्लस पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सर्कल वाले ऑप्शन में जाना है एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ऐसे सर्कल बनाना है आपको बटरफ्लाई के पीछे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको उसको ले जाना ब्लू कलर में एंड इसका जो है थोड़ा सा एक्सपोजर है हल्का सा बढ़ाना है। ठीक है, हल्का सा मतलब कि अराउंड 1-2 पॉइंट। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आपको उसको प्रेस करके आपको यहाँ पे सिंपली इसका डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पे अपने मतलब जितने भी बटरफ्लाई हैं सबके पास ऐसे ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो आप प्रेस करोगे तो आपको क्या सामने यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपली उस पीएनजी के ऊपर प्रेस करके रखना है, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही फटाफट कर लेना एंड आगे का जो प्रोसेस है फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है एंड गाइस उसके बाद आपको फिर जाना इस वाले टूल में, आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा देनी है एंड गाइस उसके बाद आपको उसको थोड़ा सा विग्रेनेट डाल देना है एंड नीचे स्क्रॉल करना आपको हमें मिलेगा ग्रे अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है एंड उसके बाद गाइस जाना आपको नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइस आपको फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है, नोड रिडक्शन बढ़ा देना है एंड इसके नीचे बढ़ा देना है कलर नोड रिडक्शन एंड गाइस फाइनली हमारी फोटो जो यहाँ पे पूरी एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।